Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. हमारा आज का लेक्चर है यूनिट नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर उसका टॉपिक है 6.3 दैट इज काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी की डिफरेंट टाइप्स होती है. एनर्जी के बारे में आपको स्टूडेंट बताया था कि व्हाट इज एनर्जी. एनर्जी बेसिकली द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क. अगर कोई बॉडी कोई वर्क करने के लिए एबल होगा तो वी विल से दैट बॉडी पोसेसेस एनर्जी. Whereas power, कभी आप study करेंगे तो power, what is power? The rate of doing work, the time rate of doing work is called as power. तो energy के बारे में आप बताओगे. energy की different types होती हैं, kinetic energy, potential energy वगैरह वगैरह. आज तो हमारा topic है इस kinetic energy, the energy of a body due to its motion. जब कोई body move कर रहा होगा, चल रहा होगा या उड़ा होगा, ठीक है, जब किसी body के अंदर डिस्प्लेसमेंट हो रही होगी तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. ठीक है जी. जब कोई बॉडी मूव कर रहा हो उसमें जो एनर्जी होती है उसको हम क्या कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी. सो एनर्जी ड्यू टू मोशन ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. इसकी बेशुमार एग्जांपल आप कर सकते हैं. अ मूविंग एयरप्लेन, अ मूविंग कार, अ रनिंग बॉय, अ वॉकिंग बेबी पोसेसेस एज काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी जो हमारे पास एक्सप्रेशन या फॉर्मूला होगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 1 बाय 2 एम वी स्क्वायर. ये है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला या एक्सप्रेशन. अब हम इस एक्सप्रेशन को प्रूव भी करेंगे मगर इससे पहले आप एक एग्जांपल देखें. यहां पे सपोज करें हमारे पास एक बॉडी है उसका मास है जी. अब वो बॉडी क्या कर रहा है जी, मूव कर रहा है इन सम स्पेसिफिक डायरेक्शन. जब वो मूव कर रहा होगा तो यहां पे आपने इमेजिन करना है एक फोर्स होगी जो इसकी मोशन क्या करेगी, अपोज. आपने सिद्धांत पढ़ा होगा एवरी एक्शन एज अ रिएक्शन. जब वो बॉडी फॉर मूव करेगा तो एज अ रिएक्शन उसके ऊपर कोई तो फोर्स एक्ट करेगी. मगर यहाँ पे हमने क्या करना है, मिनिमली स्थिति करके कोई फोर्स अप्लाई किया उस बॉडी के ऊपर अगेंस्ट द मोशन, अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ मोशन. तो वो जो फोर्स होगी वो उस बॉडी के अंदर रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेगी. व्हाट इज रिटार्डेशन? नेगेटिव एक्सेलरेशन. The decrease in the velocity of a body is called as a retardation. अब जब ये body move कर रहा होगा initially तो force हमारे पास आ जाएगी. Force का formula आ जाएगा F is equal to ma. अब in this case where retardation is produced, what is retardation? That is negative acceleration is called as a retardation. ठीक है जी. ये जो बॉडी चल रहा होगा इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी होगी दैट इज वी. अब जब रिटार्डेशन प्रोड्यूस होगी, रिटार्डेशन प्रोड्यूस होने के बाद थोड़े टाइम के बाद बॉडी क्या करेगा कि दैट विल स्टॉप. जब रेस्ट पे आ जाएगा तो उसकी जो वेलोसिटी होगी दैट इज इक्वल्स टू जीरो फाइनल वेलोसिटी. बिकॉज़ व्हाट इज वेलोसिटी? रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट. अब यहां पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो रिटार्डेशन होने की वजह से बॉडी रेस्ट पे आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे जी, बॉडी रेस्ट पे आ गया तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी जीरो. अब अगर हम यहां पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करें दैट इज 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर. अब यहां पे वैल्यू पुट करेंगे 2as इक्वल्स टू vf फाइनल वेलोसिटी बिकॉज़ बॉडी कम्स एट रेस्ट आफ्टर सम टाइम. सो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है 0 माइनस v स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दैट इज इक्वल टू v वो यहां पे पुट कर देंगे. सो यहां से हम क्या करेंगे कि s की वैल्यू आ जाएगी माइनस v स्क्वायर बाय 2a. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन. अब अगर हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस सेकंड इक्वेशन. नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड सेकंड वी गेट लेफ्ट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा एस डॉट एस इक्वल्स टू. राइट साइड से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एम ए इनटू माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा ये साइन. हमारे पास आ जाएगा एफ एस इज इक्वल टू ए हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा एम बी स्क्वायर. ठीक है जी. यहाँ भी हो जाएगा कि 2a. Now what is fs? F dot s, the product of force.
अब ये वो पार्ट होगा जो बॉडी को मूव करने के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे. सो वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट अगेंस्ट द फोर्स इज कॉल्ड एज काइनेटिक एनर्जी. तो ये जो अगेंस्ट फोर्स वर्क अप्लाई करेगा दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू 1/2 mvc. ये जो एक्सप्रेशन है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के डिराइव करने का, सबसे पहले हम डिफाइन करें काइनेटिक एनर्जी को, फिर उसका यहां पे एप्लीकेशन का रिलेशन, व्हाट इज इट्स रिलेशन, k इज 1/2 mv² फिर उसको हम डिराइव करेंगे डायग्राम का. तो ये था हमारा आज का लेक्चर, बहुत सिंपल सा है. नेक्स्ट हम करेंगे जी पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन और उसका एक्सप्रेशन नेक्स्ट लेक्चर में. इजाजत दीजिए, ये थी हमारी आज ऑनलाइन क्लासेस. अल्लाह ताला आपका हाफिज़ हो. अल्लाह हाफिज़.